आज मैंने आपके लिए सरप्राइज पैक किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज वेदिका जी? आपको कुछ याद आया? ये हमारा घर है, हमारी खुशियों का संसार। हमारा घर वेदिका जी? हाँ साहिल, देखो आज मैंने वो सब किया है जो आप मुझे खुश करने के लिए किया करते थे। हमारी तस्वीरें, ये रोशनी, आपको कुछ याद आया साहिल? नहीं वेदिका जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। साहिल देखो, ये वही साड़ी है जो आपने मुझे दी थी। आपने कहा था कि ब्लू कलर मुझको बहुत अच्छा लगता है। आज वेदिका डॉक्टर्स के कहने पर साहिल को उनकी पुरानी यादों की झलक दिखा रही हैं। क्योंकि साहिल की खोई हुई याददाश्त वापस आ सके। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि साहिल ने वेदिका के लिए बहुत कुछ किया है, तो फिलहाल शायद कि साहिल की याददाश्त चले गई है, तो वेदिका फुल कोशिश करिए कि उसको याद दिलाने की कि कौन है वो, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है उनकी दुनिया में। वेदिका बस कोशिश करिए, जो डॉक्टर क्या रेकमेंड किया हुआ, डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि उसकी पिछली सारी यादें ताज़ा करने की कोशिश करो। इसीलिए वेदिका साहिल को अपने उसी घर में लेकर आई है जो साहिल और वेदिका ने बड़े ही प्यार से सजाया था। साहिल उन धुंधली यादों में अपनी पहचान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। और वेदिका साहिल की यह हालत देखकर इमोशनल होती जा रही हैं। धीरे धीरे साहिल को याद आएगा होपफुली, बट अभी तो नहीं, क्योंकि she doesn't want to strain his brain. वेदिका has decided कि वो कोशिश करती ही रहेगी, क्योंकि साहिल ने उसे जितना प्यार दिया है वो उसको वापस रिटर्न करने का ये मौका है। मौका भी है और जीवन साथी भी, बस जो नहीं है वो है साहिल की याददाश्त। अब वेदिका की किस्मत देखिए, उनका साहिल उनके पास होते हुए भी उनसे दूर है। हर एक कोशिश नाकाम होती जा रही है और बढ़ता जा रहा है साहिल उर्फ जैकी का कंफ्यूजन। तो भाई अब देखना यह है कि साहिल को अपना गुजरा हुआ कल कब और कैसे याद आता है, और कैसे भरते हैं वेदिका की जिंदगी में प्यार के रंग साहिल के वापस आ जाने से। श्रुति बड़जातिया, मुंबई आज तक।